हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग गैप्स बिटवीन स्मॉल लेटर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं कि इसके प्रश्न कैसे करेंगे, और आपकी ये लास्ट क्लास है आज के लिए। तो देखिएगा कैसे सीखेंगे हम लोग। आपका ये प्रश्न दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसमें गैप सहित अक्षरों को गिन लेंगे। तो चलो गिन लेते हैं। जैसे देखिएगा, एक तीन, तीन एक चार, चार तीन सात, और सात दो नौ। अक्षरों की संख्या कितनी हो गई, नौ हो गई। अब हम गैप गिन लेते हैं। गैप कितना है, एक दो तीन। तो गैप सहित अक्षरों की संख्या कितनी होगी आपकी, बारह हो गया। अगर आपका बारह प्राप्त हो जाए, तो हमने आपको बारह को तोड़ना बताया है, तो बारह को आप कैसे तोड़ेंगे, चार का ग्रुप तीन बार, क्योंकि चार तिया ही बारह, या तीन का ग्रुप चार बार। लेकिन इन दोनों में आइडियल कौन है, मतलब प्रथम वरीयता किसको आप देंगे। तो आपको पता है कि आप प्रथम वरीयता इसको देंगे तथा इसको देंगे दूसरे को। लेकिन बारह लिखने के बड़े तरीके होते हैं। आपके माइंड में एक और चीज आएगा, क्या सर बारह को छह का ग्रुप दो बार नहीं बना सकते। बना सकते हैं, और दो का ग्रुप भी छह बार बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, और थर्ड इसको देंगे, और फोर्थ इसको देंगे। ओके, 99% चांस होता है कि इन दोनों से आपके प्रश्न मिल जाते हैं। तो आइए प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसके चार चार के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। यहां से कट लगा दिया, इसके बाद यहां से कट लगा दिया। तो अब हमें एक चीज लास्ट में नजर आई। देखो लास्ट में बी ए यहां पर है, बी ए यहां पर, बी ए यहां पर है ना, बी ए। अब स्टार्टिंग में देखो ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी, ए यहां पर भी है ना। तो इस प्रश्न को हम लोग इसके पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, समझिएगा, जो भी अच्छा आएगा सेम आने वाला, क्योंकि देखो दूसरे पे यहां पर, दूसरे पे यहां पर, दूसरे पे यहां पर। तो देखिए B यहां पे हो जाएगा, B यहां पे हो जाएगा, B यहां पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए आ चुका है, और आपका ऑप्शन B हिट हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका 18 नंबर का प्रश्न है, और इसको हम लोग सीखेंगे। चलिए कैसे सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग अक्षरों की संख्या को गिनेंगे। तो देखो एक है, और दो एक तीन, तीन एक चार, चार तीन सात, और एक आठ। टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है, आठ है। और गैप कितना है, एक दो तीन चार, कितना हो गया, आठ चार बारह। अब आठ उसके बाद चार गैप है, तो बारह हो गया। अब बारह को तोड़ेंगे हम, चार का ग्रुप तीन बार, या तीन का ग्रुप चार बार, या बारह को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, छह का ग्रुप दो बार, या दो का ग्रुप छह बार। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, आप इसको देंगे। चार का ग्रुप तीन बार दे लेते हैं। देखिएगा यहां से एक डैश लगा दिया, कट कर दिया चार से, फिर यहां से भी। अब देखिएगा क्या आया, जैसे हमने कट करने का प्रयास किया, लास्ट में देखो ए बी यहां पर भी है, और यहां पर बी है। चलिए देखते हैं, यहां पर अगर हम ए बी कर देते हैं, ए बी ए बी, तो यहां पे तो नहीं बन पा रहा है, और यहां पर भी नहीं बन पा रहा है। बन पा रहा है, आप कहेंगे नहीं, तो क्या बन सकता है, देखिएगा। अब एक्चुअल में अगर यहां पर देखिए ए बी ए बी, ए बी ए बी कहां बन पाएगा, नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब ए यहां पर नहीं भरा जाएगा। अब आपको दूसरा सोचना है, देखिएगा यहां पर ए बी के पहले क्या है, ए है, तो अगर ए हो गया ठीक है, ए बी ए बी, तो ए बी बन नहीं पा रहा है। तो चलो अब इसको हम लोग एक्चुअली चार के ग्रुप में तोड़े थे। अगर हम चार के ग्रुप में तीन बार तोड़े तो नहीं बन पाया, अब तीन के ग्रुप में चार बार तोड़ लें। देखिए यहां से कट किया, फिर यहां से कट किया, फिर आप यहां से कट किए, फिर यहां से। चलो अब देखिएगा क्या आया है, यहां पर
यहां पर भी फर्स्ट और लास्ट में बी है, यहां भी फर्स्ट और लास्ट में बी है, तो क्या करेंगे आप? चलिए देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, तीन तीन का डिवाइड किए हैं, अब यहां पर डबल ए आया है ना, तो डबल ए यहां पर कर दिए, और यहां पर बी है तो बी यहां पर, तो क्या आया, बी डबल ए आ गया ना, बी डबल ए। चलिए अब देखिएगा एक और चीज, इन दोनों के बीच में गैप है, तो गैप में क्या आएगा ये आपको नहीं पता। अब ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन के थ्रू करेंगे। देखिए बी डबल ए तो बन चुका है, अर्थात अगर हम चार गैप है तो पहले पे हमारा ए आ चुका है, दूसरा गैप है, फिर हमारा बी आया है, फिर गैप है। अब हम देख लेंगे कि प्रथम और लास्ट में, मतलब पहले और तीसरे स्थान पे बी किस में है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है ना। चलिए तो हमें पता है कि इसमें और इसमें जो भी होगा सेम होने वाला है, तो क्या होगा जो सेम होगा, अर्थात बी भर दे। देखो जैसे अगर हम बी भर देते हैं इस वाले ऑप्शन की मदद से, क्योंकि यहां पर बी है, यहां पर बी है, तो देखिए यहां पर आ गया बी डबल ए, फिर ट्रिपल बार बी, फिर क्या आया बी डबल ए, फिर क्या आया ट्रिपल बार बी, पूरा ग्रुप बन चुका है अल्टरनेट ऑर्डर पे। देखिए ये अल्टरनेट ऑर्डर और ये अल्टरनेट ऑर्डर, और पूरा प्रश्न हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको चेक करना है। देखो पहले में आपने ए भर लिया, दूसरे में बी भरा, बी है, तीसरे में बी, चौथे में बी, तो आपका इस प्रकार डी ऑप्शन हिट हो चुका है। क्यों? आई होप आप प्रश्न को समझ पा रहे होगे, और हम एक चीज समझ रहे हो कि नहीं, कई दफा आपकी सीरीज आसानी से बन जाती है और कई दफा आपको ऑप्शन की मदद लेनी पड़ती है। आइए अगले प्रश्न पर। अब जैसे ही आपका 19 नंबर का प्रश्न है, तो चलो सबसे पहले हम प्रश्न, जैसे हमारे पास प्रश्न आता है उसमें हम क्या करेंगे, गैप सहित अक्षरों की संख्या को गिनेंगे, तो गिन लेते हैं। देखो 3, 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14 1 15, अक्षरों की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गया ना, 15। अब हम गैप को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, कितना गैप है 5, तो 15 5 कितना हो जाएगा आपका 20। अब बताओ 20 को तोड़ना है, तो हम सबको पता है 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, 20 को आप कैसे तोड़ेंगे, ध्यान समझिएगा, 20 को एक तोड़ना हुआ तो हम इसको 5 का ग्रुप 4 बार या 4 का ग्रुप 5 बार में तोड़ लेंगे, इतना कर लेंगे ना आप, ठीक है। अब देखिएगा क्या होने वाला है, अब हम 4 का ग्रुप, चलो अब इसमें से प्रथम प्रायोरिटी किसको देंगे, इसमें प्रथम प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, सेकंड भी इसको देते हैं, तो अब हम 4 का ग्रुप 5 बार कर लेते हैं, यहां से कट कर दिया, इसके बाद फिर यहां से कट कर दिया, इसके बाद चलो यहां से कट कर दिया, ये यहां से कट होगा मतलब गैप के पहले, ओके, इसके बाद फिर यहां से कट हो गया मतलब आई के जस्ट पहले, ये ऐसे, ओके। तो एक चीज आप देखिएगा, अब जैसे हम चलो ये ग्रुप तो हमारा भरा हुआ है, क्या है दूसरा वाला जो समूह है वो भरा हुआ है, क्या है वो UPOG, क्या है UPOG, जहां पर भी, क्या बोला, जहां पर भी UPOG बनने लायक होगा हम बनाएंगे, तो देखिएगा यहां पर बनने लायक है, क्या है U, अगर हम यहां पर U भर दें तो UPOG हो गया कि नहीं, अल्टरनेट ऑर्डर पे बन गया, और कहीं बनने लायक है, आप कहोगे नहीं, चलो ठीक है नहीं बनने लायक है। अब हमें पहले पे भरना है, पहले पे क्या आएगा, तो एक देखिए आप जी लास्ट में जी यहां पर भी है, लास्ट में जी यहां पर भी है, लेकिन जी के पहले देखो यहां पर आई है, क्या है आई है, और यहां पर भी देखो यहां पर भी आई है, तो यहां पर जी भर देते हैं, हम जी भर दिए तो हमारा एक ग्रुप बन गया, क्या आई पी आई जी,
क्या बना, आईपीआईजी बन गया। अब आईपीआईजी देखो यहां पर बन जाएगा कि नहीं, अगर हम यहां पर आई भर दे, आईपीआईजी बन गया। फिर अल्टरनेट ऑर्डर पे यहां पर देखिए, यहां पर आई है ना, तो क्या हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा। तो देखो आईपीआईजी, फिर आईपीआईजी, फिर आईपीआईजी, इस प्रकार से आपकी पूरी सीरीज सॉल्व हो चुकी है। अब चेक कर लेते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखो स्टार्टिंग में सबसे पहला अपनी जी भरा, तो किस किस ऑप्शन की शुरुआत जी से हुई है, केवल सी की। अब इस प्रश्न को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी एग्जाम हॉल में, आप एक पहला समूह बनाते आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता, आप सी को हिट करके आगे बढ़ जाते। लेकिन अभी आप सीख रहे हो चूंकि, तो आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका देखो यहां पर जी भर दिया, फिर हमने यहां पर आई भरा, फिर यहां पर यू भरा, फिर पी भरा, फिर आई भरा, आपका ऑप्शन सी हिट हो चुका है। साइड स्क्रीन ले सकते हैं आप लोग। आइए अगले प्रश्न पर, यह 20 नंबर का प्रश्न है, सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अक्षरों को गिन लेते हैं, ये आपका मास्टर रूल है। जब भी गैप वाला प्रश्न मिले क्या करेंगे आप, 99% चांस होता है यहां से हिट हो जाता है, आप गैप सहित अक्षरों को गिन लेंगे। देखो एक दो एक तीन, तीन एक चार, चार एक पांच, पांच दो सात, सात एक आठ, आठ एक नौ। तो गैप सहित, गैप बिना अक्षर का कितना है, मतलब अक्षरों की संख्या कितनी है, नौ। कैसे, तीन तीन छः, तीन नौ, गैप कितना है, गैप को गिन लें, एक दो तीन चार, तीन सात, कितना है सात। तो नौ और सात कितना हो गया आपका, सोलह हो गया, सोलह हो गया ना। अब आपको पता है सोलह का क्या हो सकता है, चार का ग्रुप चार बार, या आठ का ग्रुप दो बार। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे आप, इसको दोगे, चार का ग्रुप चार बार को। तो तोड़ लेते हैं, अब देखो यहां से हम कट करते हैं, कट कर दिया ये देखिए इसको यहां से। अब एक्चुअल में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें टोटल कितने अक्षर प्रयोग किए गए हैं। आप कहोगे सर इसमें ए बी सी डी प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो यहां पर कौन सा मिसिंग है, आप कहोगे बी मिसिंग है, हमने भर दिया ए बी सी डी। अब यहां पर हमने देखा लास्ट में आया है, तो अब यहां पर क्या करें हम, ये जो ए बी सी डी है यही अक्षर साइक्लिक क्रम में घूम रहा है। कैसे देखिएगा, अगर देखो यहां पर ए बी सी डी था ना, अगले में हम ऐसे घुमा दें इसको, तो क्या आ जाएगा आपका, यहां से जब घुमाएंगे बी सी डी ए, तो भर देते हैं यहां पर बी सी, फिर यहां पर डी ए, क्या आ गया देखो बी सी डी ए आ गया। फिर देखो एक अक्षर छोड़ के फिर सी से घुमा देते हैं, तो क्या जाएगा आपका सी डी ए, इसके बाद क्या जाएगा आपका बी, आ गया ना। फिर देखो यहां पर, फिर यहां से आप डी से घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, तो क्या आ गया डी, डी के बाद क्या आया ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, पूरा आपकी सीरीज भर चुकी है। अब अगर इसके बाद पूछता, अगर इसके बाद अगर पूछता तो देखिए फिर ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी डी, देखो पहला वाला रिपीट कर गया कि नहीं। कहने का मतलब क्या है, यही अगर हम एक वृत्ताकार में ए बी इस मान में लिख लेते हैं ए बी सी डी, ये घूम रहा है ऐसे, फिर यहां से घूम रहा है, फिर यहां से घूम रहा है, मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर आपका चल रहा है इस क्रम में। देखो पूरा प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो पहले में बी, फिर बी, फिर क्या आपका डी। अब बी बी डी किस ऑप्शन में है, तो आप कहोगे ना तो इसमें है सर, ना तो इसमें है, सी वाले में है, तो सी वाला आपका हिट हो चुका है। देखिएगा बी बी डी, इसके बाद सी है, फिर क्या है बी है, फिर क्या है ए है और सी है, पूरा ऑप्शन मैच कर गया कि नहीं। ओके, तो ये जो प्रश्न था साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहा था,
चार चार के ग्रुप में। आइए अगले प्रश्न पर। अब आपका 21 नंबर का प्रश्न है, हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। और आप लोग क्या किया करिए ना, प्रश्न को बनाने का प्रयास किया करिए, जैसे वीडियो को यहां पर रोक लिया करिए, तभी आप सीख पाओगे। आप कितना सीख पा रहे हो ये बात इसी पे डिपेंड होती है कि आप क्या आपसे प्रश्न बन पा रहा है कि नहीं। अगर बन पा रहा है तो निश्चित रूप से आप सीख पाए हो। चलिए प्रश्नों को करते हैं। देखिएगा अक्षरों की संख्या, एक बात हम कई बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको क्या करना, गैप सहित अक्षरों को गिन लेना है। देखो एक चार एक पांच, पांच चार नौ और नौ तीन बारह, अक्षरों की संख्या क्या आ गई, बारह आ गई। गैप को गिन लें, एक दो तीन चार, चार गैप है, कितना आ गया सोलह, आ गया ना सोलह। अक्षरों की संख्या बारह थी, बारह लिख लिया, गैप एक दो तीन चार, चार गैप था, दोनों को जोड़ लिया सोलह आ गया। अब आपको सोलह के लिए मास्टर रूल पता है क्या है, चार का ग्रुप चार बार, या आठ का ग्रुप दो बार, या दो का ग्रुप आठ बार, लेकिन आइडियल कौन है, ये है ना आइडिया। तो भाई चलो चार चार से हम डिवाइड कर लेते हैं, यहां से डिवाइड कर लिया, यहां से डिवाइड कर लिया, यहां से कर लिया, कर लिया। अब एक काम करो, आप सब में एक मिस है तो कुछ मत करो, इसमें टोटल कितने अक्षर प्रयोग किए गए हैं, दूसरा तरीका दिखाते हैं आपको। इसमें टोटल कितने अक्षर प्रयोग किए गए, चार अक्षर, कौन कौन, पी क्यू आर यस, यही अक्षर प्रयोग किए गए हैं ना। तो बिना दिमाग लगाए आप क्या करो, हर ग्रुप में चारों अक्षर होने चाहिए, कर लो। इसमें क्या मिस है, क्यू, क्यू कर लिया, इसमें क्या मिस है, यस, फिर इसमें क्या मिस है, क्यू, फिर इसमें क्या मिस है, क्यू। देखो लास्ट में डबल क्यू किस ऑप्शन में है, आपके बी ऑप्शन में है ना, हिट कर दो इसे, अभी तो आप कर लिए हो, क्या रूल सेटिस्फाई किया है कि नहीं, 101% रूल सेटिस्फाई किया है। कैसे दिखाते हैं आपको, हमने क्या बोला आपको, हम चारों में देखेंगे क्या सभी ग्रुप में कोई अक्षर मिस तो नहीं है। तो देखो एक बार मिटाते हैं फिर से, हमने चार चार के रूप में तोड़ लिया। अब देखो इसमें चारों होने चाहिए, कौन कौन से, पी क्यू आर एस, कोई मिस नहीं होना चाहिए। तो क्या मिस है इसमें, क्यू मिस है, इसमें क्या मिस है, आप देखोगे इसमें आपका यस मिस है, इसमें क्या मिस है, क्यू मिस है, इसमें भी क्यू मिस है। तो क्या आपका आ गया क्यू यस, इसके बाद डबल क्यू, क्या है आपका डबल क्यू, तो आपका ऑप्शन बी तो हिट हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ, क्या कोई रूल फॉलो करा, यस देखो पहले में आया पी क्यू आर एस, अब यहां से क्यू से फिर क्लॉकवाइज घूम जाइए तो क्या आया क्यू आर एस फिर पी, फिर आर से घूम जाइए आर यस पी, इसके बाद फिर क्यू, फिर यहां से यस से घूम जाइए यस पी क्यू आर, देखो यस पी क्यू आर, फिर यहां पे जैसे आप घूमेंगे पी से तो क्या आ जाएगा, देखिएगा आप जैसे पी से घूमेंगे पी क्यू आर यस, सेम उसके पहले वाला जो प्रश्न था इसी टाइप पे था। तो आपको प्रश्न को सॉल्व करते समय अपने टाइम को बचाना है, ओके। चलिए अगले प्रश्न पर, यह आपका 22 नंबर का प्रश्न है। अभी प्रश्न खुद पे खुद बोलता है हम चाहते क्या है, जब भी प्रश्न को आप देखें और प्रश्न में क्या यूज होने वाला है, क्या सीरीज चल रही है, जब आपको यह अनुभव होने लगे तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है बेहतर है। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब पहले इसमें क्या करेंगे, गैप सहित अक्षरों को गिनेंगे, एक दो एक, दो एक तीन हो गया, तीन तीन छः, छः तीन नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह तीन चौदह, तो अक्षरों की संख्या कितनी आ गई, चौदह आ गई। अब हम गैप को गिन लेते हैं, देखो एक दो तीन चार पाँच छः, तो गैप कितने हैं आपके, छः हैं, तो चौदह छः कितना होता है, बीस होता है ना, ओके। अगर 20 हुआ तो 20 के लिए क्या रूल है, आपको पता है चार का ग्रुप पांच बार या पांच का ग्रुप चार बार, यही होता है ना। चलिए
तो कर लेते हैं हम लोग। अब आपके माइंड में एक चीज आ रहा है, क्या गैप इसमें ज्यादा तो ये दिखाई दे रहा है, प्रश्नों को ध्यान से देखना, ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है भैया, यहां पर ए है, फिर डबल ए, फिर त्रिपल, फिर ऐसा ऐसा श्री दिखाई दे रही, मतलब ए लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों? एक ए, फिर दो, फिर तीन, ये संकेत है सीरीज का। और ऑप्शन जो आए हैं वो कैसे आए हैं, वो बी के रूप में आए हैं, बी भी है और ए भी है, इसके मतलब से कहीं ना कहीं इस सीरीज में कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है देखना होगा। अब देखिएगा, अगर हम, चलिए हम ऑप्शन की थोड़ी सी मदद लें, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में सभी ऑप्शन में क्या है, बी है ना, तो बी तो होगा ही, यहां पर बी तो होना ही चाहिए क्योंकि सभी ऑप्शन में क्या है, बी है। तो एक चीज देखिए, ए बी के बाद डबल ए आया, मतलब कह सकते हैं आप बी के बाद डबल ए यहां पर आया, अगर यहां पर बी भर दे, फिर हम बी के बाद ट्रिपल ए आया, फिर यहां पर बी भर दे, तो बी के बाद चार ए आना चाहिए, तो यहां पर ए भरना पड़ेगा हमको, क्यों? देखो बी के बाद डबल ए आया, फिर बी के बाद ट्रिपल ए आया, बी के बाद चार बार ए आ गया, फिर यहां पर बी भर देते हैं, अब बी के बाद क्या आना चाहिए, पांच बार ए आना चाहिए, तो यहां पर पांच बार ए संभव हो गया। देखिए आपका प्रश्न सॉल्व भी हो चुका है, आपको ऑप्शन के थ्रू सोचना है कई दफा। अब इसमें आप कहोगे सर ये चार का ग्रुप पांच बार या पांच का ग्रुप चार बार तो नहीं लागू हो पाया, यस 100% हर जगह पर कि नहीं लागू होगा, आपको सोचना पड़ेगा। जो ये कहता है कि सब जगह लागू हो जाएगा वो गलत कहता है, ध्यान से समझिएगा कैसे पहचाना गया। आपने क्या देखा, यहां पे डबल ए है, फिर यहां पे ट्रिपल ए है, फिर यहां पे एक सीरीज ऐसे बनती जा रही है, और आपके जो ऑप्शन है कोई भी ए से स्टार्ट नहीं हुआ, सभी बी से स्टार्ट हुए हैं, तो आप पहले स्थान पे तो बी तो भर सकते हैं ना, तो चलो बी हमने भर दिया। जैसे बी भरा तो हमारे माइंड में आया कि बी के बाद डबल ए यहां पर है, अगर हम बी को यहां पर, और दूसरे स्थान पे भी देखो पहले भी बी है, क्या दूसरे पे भी नहीं है, यहां पे बी है, यहां पर बी है, तो दूसरे पे जैसे हमने बी भरा तो क्या देखा, बी के बाद डबल ए, फिर बी के बाद ट्रिपल ए, फिर बी भर दिया, क्योंकि तीसरे पर भी बी है, तीन ऑप्शन में इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और तीन के बाद चार ए है, तो भाई बी यहां पर भर देंगे अगर हम, तो पांच बार ए हो गया, तो पूरी सीरीज आपकी भर चुकी है, क्या हुआ आपका बी 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 ए बी ए, क्या आया ट्रिपल बी। चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ट्रिपल बी ए बी ए, ट्रिपल बी ए बी ए, तो आपका ऑप्शन जो है सी हिट हो चुका है। ओके शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं, अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं।